आप सभी को राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से मनुष्य के इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है। इस एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बड़ा ही पवित्र माना गया है। श्री कृष्ण के प्रिय सखा और परम भक्त अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे मधुसूदन, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना एक एकादशी व्रत के पालन से मिलने वाले पुण्य से नहीं की जा सकती, तो कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि यह एकादशी इतनी विशेष क्यों है, किस प्रकार वह इतनी मंगलमय बनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम मूर था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव जी से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर्दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करता देख हाथ जोड़कर सबने उनकी स्तुति की। सभी देवता कहने लगे, हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंगा नामक राक्षस था। उसका एक महान प्रतापी मूर नाम का पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिपत्य जमा लिया। उसने इंद्र, वायु, यम, चंद्रमा सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। वान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आ गए, जहाँ युद्ध भूमि में मूर दैत्य गर्जना कर रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर दैत्य के सामने देवता लोग घड़ी भर भी ना रुक सके। भगवान श्री हरि विष्णु भी आ पहुँचे, चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी और शत्रुओं का संहार करो। चक्र सुदर्शन ने चारों ओर सफाई कर दी, पर मूर दैत्य का सिर ना काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया और बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ किया, परंतु शत्रु ना मर सका। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु दैत्य ना मरा। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल। थक गए और मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। भगवान श्री हरि विष्णु अपनी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम में आए। वहाँ एक गुफा जिसका नाम हेमवती था, उसमें
भगवान विश्राम करने लगे। उसमें घुसकर मुरदेत्य ने भगवान को सोते हुए मारने का प्रयास किया। तभी उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुरदेत्य के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई, कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा कि यह मल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट दिया और कहा कि यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। भगवान श्रीहरि बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध पुत्र धन का निवास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त हो। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात मन शुद्ध हो जाएगा और अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म माघशीष मास की कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।